हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है आवेग यानी कि इम्पल्स। तो आवेग क्या कहलाता है? तो बहुत ही सिंपल है, बल और समयांतर का जो गुणनफल है वही आवेग कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है आवेग बराबर बल गुणित समय। तो हम लोग जब विमीय सूत्र पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हमने आवेग के बारे में पढ़ा हुआ है। आवेग कहलाता है बल गुणित समय। तो जैसे ही यहाँ पे हम फॉर्मूला देखते हैं तो हमें डेफिनेशन अपने आप ही याद हो जाती है, बल तथा समयांतर यानी कि एफ गुणित डेल टी, बल और समयांतर का गुणनफल। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बल और समयांतर, डेल टी क्या है? समय का अंतर। तो बल और समयांतर का जो गुणनफल है वही कहलाता है आवेग। तो वही यहाँ पे हमें डेफिनेशन में लिखना है, बल तथा समयांतर का गुणनफल आवेग कहलाता है। यदि किसी वस्तु पर एक नियत बल F डेल्टी समय तक लगाया जाए, कोई बल किसी वस्तु पर किसी समय तक लगाते हैं तो क्या होता है? तो लगाया जाए तो वो जो बल है और समय का जो गुणनफल है, जो उसका जो भी परिमाण आएगा वो आवेग के बराबर होगा और कुछ भी नहीं है। ये सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन होती है आवेग की, क्योंकि बल की दिशा होती है इसलिए आवेग भी एक सदिश राशि हो गया। इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। और विमीय सूत्र आया है MLT-1, इसको देख लेते हैं ये कैसे आया है। तो विमीय सूत्र इसका समझने के लिए हम रफ पेपर का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बल, बल का मीनिंग क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं बल न्यूटन कहलाता है और बल गुणित समय। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं बल गुणित समय। अब यहाँ पे जो बल है उसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पे हमने लिख लिया द्रव्यमान गुणित त्वरण, और समय है मल्टीप्लाई में तो गुणा में हमने लिख लिया समय। अब द्रव्यमान उसका ज्यों का त्यों, क्योंकि द्रव्यमान एक मूल राशि हो गई, लेकिन जो त्वरण है इसका सूत्र होता है दूरी बटे समय का वर्ग, या वेग बटे समय लिख सकते हैं इसको। तो वेग बटे समय लिख लिया और गुणित समय, तो समय से समय कैंसिल हो गया तो बचा द्रव्यमान गुणित वेग। लेकिन जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान ही रहेगा, और वेग के लिए हम लिख सकते हैं दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय। तो द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं m, दूरी को लिख सकते हैं l, और समय को लिख सकते हैं बटे है तो बटे t। ऊपर पहुंच जाएगा तो MLT-1, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा MLT-1। तो आपको मालूम हो गया कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो आवेग की डेफिनेशन आ जाए तो आपको एक काम करना है कि आवेग का सूत्र याद कर लेना है। तो आप डेफिनेशन लिख पाओगे बल गुणित समय, तो आप लिखोगे बल तथा समयांतर का गुणनफल आवेग कहलाता है। साथ ही साथ हमें एग्जाम में पूछा जाता है आवेग और संवेग में संबंध। तो आवेग को हम टाउ से भी दर्शाते हैं, याद रखना है। जो आवेग होता है ये आवेग, इसे हम टाउ से दर्शाते हैं, ये टाउ का चिन्ह होता है साइन। तो आवेग और संवेग में जो संबंध है वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम न्यूटन की गति का द्वितीय नियम यहाँ पे लिखेंगे। और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्वितीय नियम ये है एफ बराबर एम ए। ये एफ बराबर एम ए अलग बात है, लेकिन द्वितीय नियम उन्होंने कहा था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। आपको याद होगा कि किसी वस्तु के संवेग में, ये P क्या कहलाता है? संवेग। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, डेल क्या कहलाता है? परिवर्तन। P क्या कहलाता है? संवेग। तो संवेग में परिवर्तन, और जब भी बटे डेल टी हो तो उसे बोलते हैं की दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यही न्यूटन का दूसरा नियम है। हम लोगों ने दूसरा नियम बहुत अच्छे से पढ़ा भी था, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट पर जाकर देख भी सकते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, यही हमें यहाँ पर लिखना है। तो जब भी हम आवेग और संवेग में संबंध करेंगे तो हेल्प किसकी लेंगे? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की। न्यूटन का द्वितीय नियम है, एफ समानुपाती है, लेकिन समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा, तो उसे हम एक मान लेंगे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं डेल पी बटे डेल टी। ये देखिए, ये भी न्यूटन का दूसरा ही नियम है, समानुपाती को हटा दिया और उसकी जगह पर बराबर लगा दिया, तो हमने लिखा। अब क्या करेंगे हम कि ये जो डेल टी नीचे लिखा हुआ है इसका गुणा एफ में करेंगे, तो क्या आएगा? एफ गुणित डेल टी बराबर डेल पी वेक्टर।
अब बल गुणित समय क्या कहलाता है? अभी हम लोगों ने देखा बल गुणित समय क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, बल गुणित समय। तो आप कहेंगे आवेग जिसे हम टाउ से दर्शाते हैं, तो टाउ बराबर हो गया डेल पी वेक्टर। तो ये हो गया आवेग, और पी क्या कहलाता है, संवेग। तो आवेग और संवेग एक ही बात है। अब आप कहेंगे एक ही बात कैसे है, तो जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके संवेग में परिवर्तन होता है, लेकिन जब बल लगाते हैं तो डेल टी समय के लिए तो लगाते ही हैं, इसलिए वो एक ही बात है। तो जो मैंने आपको संवेग में समझाया था वही आवेग के लिए है, बस इसको थोड़ा अलग से बताया गया है और इसके लिए सूत्र भी अलग है, इसलिए दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है। तो टाउ बराबर डेल पी। तो इतना आपको एग्जाम में करना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आवेग क्या है, आवेग और संवेग में संबंध बताइए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और बड़ी ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए आवेग, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये आपको लिखना है नीचे, और फिर इसके बाद ये, तो आप ये कर लीजिए। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए आप चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ जाकर सभी वीडियोस का अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।